नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीपी मार्केट और मेरा नाम है सीपी। दोस्तों मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है जिसका मॉडल नंबर है F711B। तो इस पे जो दोस्तों FRP लगी हुई है, तो FRP Z Flip 3 5G वाला फ़ोन है सैमसंग का। तो इसकी जो FRP लगी हुई है उसको वन क्लिक में कैसे अनलॉक करना है, तो मैं वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो मैंने इसमें 3 टूल का इस्तेमाल किया है, मतलब मैं चेक कर रहा था कि ये कौन सा टूल अच्छा वर्क कर रहा है फ़ोन में ADB मोड इनेबल करने के लिए। तो मैंने UMT का भी इस्तेमाल किया और जो SM वालों का जो टूल है सैमसंग का, उसका भी टूल मैंने इस्तेमाल किया। फिर बाद में मैंने अनलॉक टूल भी इस्तेमाल किया। तो आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टूल बेस्ट है। तो अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, स्टेप बाई स्टेप आप देखिएगा। और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये पता ज़रूर चलेगा कि कौन सा टूल बेस्ट है और कौन सा बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो मैं अभी यहाँ से उनको मैंने ऑन करके कनेक्ट कर दिया है, और उसमें एक इमरजेंसी में कोड डायल करना है *H0*H। ये कोड डायल करते ही आपके सामने इंजीनियरिंग मोड खुल के आएगा और फ़ोन को कनेक्ट कर देना है। और यहाँ से जो UMT का अपडेट है उसको मैं यहाँ पे एक बार चेक करता हूँ कि UMT पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद मैंने SM टूल को भी इस्तेमाल किया तो UMT से भी इनेबल नहीं हो रहा था। इसके बाद मैंने SM टूल को भी इस्तेमाल किया तो उस पर भी नहीं हो रहा था ADV मोड इनेबल। तो फिर इसके बाद मैंने अनलॉक टूल को इस्तेमाल किया तो अनलॉक टूल पे बेस्ट अपडेट आई है। पहले अभी FRP 2023 मॉडल, मतलब 2023 करके जो है एक ग्रीन कलर का लोगो आता था, अभी वीडियो में आपको दिखेगा तो वहाँ पे बात करेंगे। तो वहाँ पे दो फंक्शन को और अपडेट कर दिया है। अगर 1 से नहीं हो रहा है तो 2 से कर सकते हैं, 2 से नहीं हो रहा तो 3 से कर सकते हैं, 3 से नहीं हो रहा तो 4 से कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉक टूल पे अपडेट आई है। अभी मैं एक बार SM टूल से भी एक बार करके देख लेता हूँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बना बना के लाते रहें। वीडियो ज़्यादा बड़ा बन गया है, लेकिन मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाया। मेरी कोई भी वीडियो फेक नहीं होती है, पूरी वीडियो लाइव वीडियो बनाता हूँ, कोई भी एडिटिंग नहीं करता ज़्यादा, ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको अच्छे से समझ में आए। ये देखिए इस टूल पे पूरा मॉडल वगैरह भी रीड कर रहा है, मैं कोई भी फेक नहीं बता रहा हूँ, जो मॉडल है आपके सामने लाइव है। यहाँ से भी ADV मोड इनेबल नहीं हो रहा है। यहाँ पे दिखा रहा है ओके ओके करके, लास्ट में फेल हो जाएगा। तो ये देखिए लास्ट में इनेबल ADV फेल लिखकर आया है। तो एक बार हम और ट्राई करते हैं ये दूसरा स्टेप को, शायद हो सकता है कि इससे हो जाए, और इससे नहीं होगा तो फिर अनलॉक टूल को मैंने एक बार USB को निकाल के दोबारा लगा दिया। एक बार आप भी ट्राई करिएगा, USB को बाहर निकाल के एक बार दोबारा आप भी लगा कर देख लीजिए, शायद मेरा इस टूल से नहीं हो रहा है, आप लोगों का हो जाए। अगर नहीं होगा तो लास्ट में मुझे अनलॉक टूल तो इस्तेमाल करना ही करना है। अनलॉक टूल इस्तेमाल करने के बाद जो है आपका जो पूरा, मैंने यहाँ से अनलॉक टूल को ओपन कर लिया है। अनलॉक टूल ओपन करने के बाद जो है आपको USB को इंसर्ट कर देना है।
यहाँ से अनलॉक को जैसे ही ओपन हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो फंक्शन अपडेट किए गए हैं अनलॉक टूल के ज़रिए। अनलॉक टूल बहुत ही अच्छा टूल है, मेरे तरफ से अनलॉक टूल बेस्ट है, आप इसको परचेज भी कर सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अपडेट देने वाला अनलॉक टूल ही है। इसमें सबसे पहले अपडेट आती है किसी भी चीज़ के बारे में अनलॉक टूल, और इस समय एक मिराकल का पावर टूल भी अपडेट हो रहा है तो उसमें भी काफ़ी हद तक जो है अपडेट आती है। यहाँ से मैं अपनी आईडी डाल के जो है यूजर नेम डालूँगा और पासवर्ड डालूँगा और लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद देखिएगा कि अनलॉक टूल से कितना फास्ट और कितना आसान तरीके से ATP कोड इनेबल होगा। आपको एक बार क्या करना है कि जो USB है उसको एक बार निकाल के दोबारा फिर से लगा देना है ताकि जो एरर पोर्ट होता है वो करेक्ट हो जाता है, जिसके कारण दोबारा फिर से एक बार पोर्ट बनाना है ताकि वन क्लिक में ही काम हो जाए आपका। यहाँ पर मेरा पासवर्ड गलत हो गया, अभी मैं दोबारा से पासवर्ड डाल दे रहा हूँ। अभी दोबारा फिर से लॉगिन करूँगा। दोस्तों ये वीडियो में कुछ जगह पे मैंने वीडियो कट नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे टाइम मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, बट मैंने वीडियो को ज़्यादा एडिट नहीं किया है, रियल वीडियो है, पूरा आपके सामने है जो भी है, मैंने पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया और उसको आपके सामने लाया, तो मेरे को जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम जितना मतलब जैसे वीडियो कट पिट करके जो है टाइम को बचा कर जो है वीडियो बनाते हैं तो वैसे मैंने नहीं किया है, जो है आपके सामने लाइव है। तो ये आपके सामने जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कंटिन्यू पे किया तो USB भी मैंने बाहर निकाल के लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 और 2 और 3 4 स्टेप यहाँ पे देखिए मैंने किया और ये इतना फटाक से वर्क करता है। ये देखिए 1 क्लिक में ही ADV मोड को इनेबल कर दिया, ये देखिए दोबारा से USB पोर्ट बना लिया और ये देखिए ADV मोड इनेबल होकर FRP को अनलॉक कर दिया। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये टूल परचेज करना है तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ से बहुत ही कम और बेस्ट रेट में मैं आपको दे दूँगा।